जो जिन्होंने ये कुछ हुआ उनके घरों को मॉप जाके जिस प्रकार से आग लगाई गई, वो अपने आप में एक हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं अपने आप को जो है शर्मसार करती है। उसके बावजूद आज जो हुआ कि हमारे प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष और जो उनके जिम्मेवार लोग हैं या नुमाइंदे हैं, जिस प्रकार से इसको लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, गुनाहगार सलाखों के पीछे जा चुका है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मस्तैदी के साथ काम कर रहा है और सरकार की आदेश बड़े साफ है मुख्यमंत्री जी के कि इस पे जो है सख्ती से काम किया जाए। अब जहां तक सवाल आया कि उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस विभाग का ये काम है कि हम हर हालत में किन्हीं कोई भी परिस्थितियां हो वहां पर शांति बनाए रखना ये पुलिस विभाग का, सरकार का काम है, उसको बेखूबी कर रहे हैं और इसके तहत वहां धारा 144 लगाएगी। और आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में, देवभूमि है, शांत प्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी कि वो आज जयराम जी, कुछ उनके साथ जो लोग थे, वो आज वहां जाना चाह रहे थे, मनोहर के घर जाना चाह रहे थे। पहले तो सवाल ये उठता है कि 9 तारीख की जो है डेड बॉडी मिली है 9 तारीख को और आज 16 तारीख हो गई, तो आज इतना लेट जाने का कारण क्या है? दूसरी बात है कि धारा 144 लगी है, वो खुद जिम्मेवार व्यक्ति रहे, 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो इस बात को समझते हैं कि धारा 144 का मतलब है कि कानून क्या आपको अलाउ कर रहा है। उसके बावजूद वो हमारा जो प्रशासन था, पुलिस था, विभाग था, सबने कहा कि आप जो एक नंबर में हैं, जो आपके जिम्मेवार लोग हैं, जो नेता हैं, आपको हम अलाउ करते हैं। लेकिन आप देखिए, मेरे पास वीडियो आया कि उसमें वो बार बार कह रहे हैं बिंदल साहब कि आप हमें जाने नहीं दे रहे, उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सर आप जाएं, लेकिन एक सीमा है, धारा 144 है, आप 4-5 लोग जो जाना चाहते हैं हम आपको नहीं रोक रहे। मंशा क्या है कि आप जाना चाहते थे, उस परिवार को मिलना चाहते थे, या इस घटना को केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इसको जो है एक मुद्दा बनाना चाहते थे? यह हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का।